हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइसेल्फ प्रोसेन। दोस्तों, आज जो पार्सल का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये सनातन भाई के लिए पार्सल जा रहा है जो कि बीकानेर में रहते हैं, राजस्थान में। उन्होंने काफ़ी दिन पहले सब ऑर्डर देके रखे थे। ये 15 अगस्त के लिए नहीं जा रहा है, ये क्लब फाइटिंग करते हैं, बहुत शौकीन है। ज़्यादातर इसमें पतंगे जो वो इस बार परचेस कर रहे हैं, सब कलेक्शन के हिसाब से रखने के लिए, थोड़ा बहुत इसमें वो लड़ा भी सकते हैं। तो उनको बहुत डिज़ाइनर काइट्स का शौक है। तो मैंने देखी आज इसमें ज़्यादा पतंगे नहीं, 110-112 पतंगे होंगे और ये सब डिज़ाइनर में है, स्पेशल काप ठड्डा में बनाया गया है। मैं वीडियो यहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, ये सब गाटदार पतंग में है रीतव भाई का। इस वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, इसमें एक से एक बढ़कर डिज़ाइन और अच्छे क्वालिटी का पतंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वीडियो के माध्यम से ये भी मैं बताना चाहूँगा कि किसी भाई को भी अगर इस क्वालिटी का पतंग चाहिए तो आप लोग टाइम देके ऑर्डर दे सकते हैं, तभी ये सब पतंग मिल पाएगा। क्योंकि बहुत लोग 15 अगस्त के लिए ये सब वीडियो देख के मांग रहे हैं, मगर सच बात बताओ कि ये सब पतंग बनने में काफ़ी टाइम लगता है, सब पहले से ऑर्डर दे के रखते हैं। ठीक है, ये देखिए, सब रीतव भाई का डिज़ाइनर पतंग है, सब गाटदार कमान में, सब गाटदार में है और सब चार चार पाँच पाँच साल, सब पुराना गाटदार। मैंने किसी भाई से लेके ये सब पतंग तैयार करवाया हूँ, स्पेशली पुराने कमान ठड्डे से ये सब पतंग तैयार किया गया है। देखिए, घुटी हुई काम, वीडियो में शॉर्ट में ही बनाऊंगा, बस आप लोग डिज़ाइन देखते जाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों को रीता भाई का पतंग कैसे लगता है। इस पर पौना और कुछ आरा पतंग भी मैं दे रहा हूँ। ये जो पतंग अभी दिखा रहा हूँ, ये रीता भाई का सब पौना पतंगे है। ये खाटीमा 5 kg में इसमें पतंग बनाया गया है और इसमें सब गाटदार जवाबी गाट में पतंग बनाया गया है। ये सब 2 बार डिज़ाइन में है, ये सब आपका बीकानेर जा रहा है और बहुत शौकीन है। शुरू से ही मेरे यूट्यूब चैनल वो रेगुलर फॉलोअप करते हैं और बार बार हमको रिक्वेस्ट किया है कि प्रोसेन भाई, हमको सब पतंग डिज़ाइन में चाहिए और अच्छे वाले डिज़ाइन में बना के देना। ठीक है, क्योंकि डिज़ाइन का कोई अंत नहीं है, कई तरफ का डिज़ाइन होता है। देखिए, ये भी डिज़ाइन देखिए, और इसमें सब बढ़िया काप ठड्डा लगाया गया है और सब बड़े फरमे की पतंगे। देखिए फिनिशिंग, देखिए ये रीता भाई का पतंगे है गोल फरमे की, दूर पेच के लिए। देखिए, ये सब अजंता और खाटीमा दोनों मिक्स करके बहुत बढ़िया तरीके से पेपर को यूटिलाइज किया गया है। ये आप लोग जो ब्लैक कलर देख रहे हैं, ये अजंता में है, ये ब्लू में है और ये सब जो पदमजी पेपर होता है उसी का यूज किया गया है। देखिए, ये आग वाला डिजाइन, ये सब खाटीमा 5 kg में है मगर गाटदार में है सब। ये भी बहुत बढ़िया डिज़ाइन है, तो आप लोग देखते जाइए, डिज़ाइन का कोई कमी नहीं, एक से एक बढ़कर डिज़ाइन। मैं अभी पैकिंग में बैठा हूँ, देखिए आप लोग साइड में भी देख सकते हैं, सब पेटी वेटी लेके मैं बैठा हूँ। अभी 3-4 कस्टमर्स का पैकिंग होगा। देखिए, चादियाल पतंग, ये फिर आपका आ गया आग वाली पतंग। ये कुछ पतंगे मैं दे रहा हूँ जो वो डेली बेसिस पे लड़ा सकते हैं। ठीक है, ये मांगदार पतंग बहुत ही शानदार रीता भाई ने बनाया है, बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन में ये सब पतंग लड़ाने के लिए सब जा रहा है। इसमें सब मीडियम काप ठड्डा लगाया गया है। जो डिज़ाइनर पतंग होता है ना, उसमें ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा जानदार कमान ठड्डा लगाए, क्योंकि पतंग भी काफ़ी दिन लोग रखते हैं इसको। और ये देखिए, ये पेपर का कलर देखिए, बहुत ही यूनिक पेपर है, बहुत कम जगह पर ये कलर में आप लोगों को पतंग बनने में देखने को मिलेगा। ये भी देखिए, बहुत ही सफाई देखिए पतंग का, कमानी में भी कितना बढ़िया काम किया हुआ है। ये सब हमारा कोलकाता का स्पेशल काप ठड्डा से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और बहुत लिमिटेड बनता है, काफ़ी टाइम लगता है इसमें फिनिशिंग वगैरह सब कुछ। थोड़ा सा मैं क्लोजअप दिखा रहा हूँ, देखिए सब फिनिशिंग, डोरिया पलटा ये सब कारीगर अपने हाथ से करते हैं। बहुत लोगों को ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ बार बार बोलता हूँ, ये इसलिए बोलता हूँ कि बहुत लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, सोचते हैं कि प्रोडक्शन होता है, काफ़ी पतंग क्वांटिटी में बनता है, जैसे कि आज ऑर्डर दिया कल मिल जाएगा, काम ऐसा होता नहीं है। ये सब बनने में टाइम लगता है, क्योंकि कारीगर जब पूरा चीज़ हाथ से कंप्लीट करते हैं तो इसमें टाइम लगता है। और लास्ट में मैं कुछ पतंग दिखाऊंगा, ये पौना से भी बड़ा है, ये आड़ा पतंगे हैं। ठीक है, ये कलेक्शन के हिसाब से वो दादा रखेगा, या कभी उनका मन किया तो ये
कमांड जब थोड़ा सा मीडियम हो जाएगा तो लड़ा सकते। देखिए ये भी डिजाइन है, देखिए वही पेपर से एक तो और शानदार पतंग, और देखिए कितना बड़ा पतंग है। ठीक है, ये पतंग और इस पतंग का थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये पौना है, ये आरा है, ये पौना से भी बड़ा है। और ये आरा पतंग अभी हम लोग बना रहे हैं, ये बाहर जाता है, ज़्यादातर मैं अब्रॉड कंट्रीज में भेजता हूँ, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग थ्रेड से ये सब पतंगे हाई विंड स्पीड में फ्लाई किया जाता है। ये देखिए बहुत ही शानदार कलर कॉम्बिनेशन में बनाया गया है। यहाँ पे लगातार बारिश हो रहा है तो पतंग में ज़्यादा निकलता नहीं हूँ, क्योंकि जब भी निकलता हूँ तो पतंग पेपर थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, क्योंकि इस टाइम वेदर में थोड़ा सा बहुत मॉइस्चर होता है। ठीक है, तो सनातन भाई के लिए ये सब पतंगे रेडी हुआ है, जो कि अभी मैं पैकिंग करने जा रहा हूँ। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, और ताकि और भी लोग देख पाए, और ऐसे हम लोग को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।